नमस्कार दोस्तों, लेडीज स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी की रेसिपी। दोस्तों, शिमला मिर्च तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन अगर आप आज इस तरीके से सब्जी बनाकर खाएंगे तो इसका टेस्ट भी अलग आएगा और ये बनेगी भी बहुत अच्छी। और इसके लिए आपको ज़्यादा सामग्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं फटाफट से इस सब्जी को बनाने की सामग्री और रेसिपी। शिमला मिर्च प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पर सामान चाहिए। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम शिमला मिर्च ली है, जिनको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबे लंबे स्लाइसेज में। आप इन्हें दूसरे बड़े स्लाइसेज में भी काट सकते हैं। दो बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको कि मैंने बड़े बड़े पीसेज में निकाला है और इनकी स्लाइसेज भी निकाल ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, हरी मिर्च तड़के के लिए ली है मैंने, और अदरक लिया है जिसको कि कद्दूकस कर लिया है। दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको कि बारीक काट लिया है, और दो मीडियम साइज के ही प्याज जिनको कि भी मैंने बारीक काट लिया है। बाकी हमें हमारे रोजमर्रा के ही मसाले चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमारी ये शिमला मिर्च है और ये प्याज है, इनको हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए हम तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। यहां मैं ऊपर से डालूंगी आधा चम्मच के लगभग नमक, इससे कि जो ये प्याज और हमारी मिर्च है ये अच्छे से गल जाए। और इनको इसी तरीके से मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख दूंगी, जिससे कि ये हाफ कुक हो जाए। हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना है, हाफ कुक करना है इनको। तो मैं इनको ढककर रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि ये हाफ कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ इसको ढक दिया है, आंच हम कर देंगे मीडियम। हमें इसे 2 से लेकर 3 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, हाफ कुक करना है हमें इन्हें। यहाँ हम बीच बीच में इसको घुमाते भी रहेंगे, जिससे कि ये इक्वली पक जाए, नहीं तो नीचे वाले पक जाएंगे और ऊपर वाले थोड़े कच्चे रह जाएंगे। आप इन्हें जितना यहाँ पर फ्राई करेंगे, इनकी जो ये वॉल्यूम है वो कम होती रहेगी, ये घटते रहेंगे क्योंकि ये सिकुड़ती हैं। तो मैं इसको अब दोबारा से ढक के रख दूँगी, आँच हमारी कम ही है। तो दोस्तों, 3 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इनको होते हुए, अब मैं इनको खोल दूँगी। और ये देखिए, ये हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से कुक भी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी इसमें से दूसरे बर्तन में। देखिए, इनका कलर बिल्कुल बदला भी नहीं है और यही कलर इनका पूरी सब्जी में बरकरार रहेगा। तो अब हमें इत लगाना है तड़का। जो मेरे पास तेल बचा था, मैंने उसी में ही थोड़ा सा और तेल डाल लिया है। अब तेल हमारा गरम होने को है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच ही धनिया। यहाँ पर जो हमारे पास अदरक और हरी मिर्च है वो भी हम तड़के में डाल देंगे। और हल्का सा फ्राई होने पर इनके जो प्याज है वो डाल देंगे। अब उन प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें भूनेंगे। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तेल इन्होंने अलग निकालना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास बेसन है, 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डालूंगी। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, ये 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और यहीं पर ही मैं अपनी हल्दी डाल दूंगी। हल्दी मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। और हम इसको
अच्छे तरीके से भून लेंगे। बेसन को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, नहीं तो ये कच्चा कच्चा लगेगा और सब्जी में भी इसका टेस्ट ऐसे ही आएगा। तो मैं इसको रोस्ट होने तक भूनूंगी। तो बेसन भी हमारा हो चुका है, क्योंकि बेसन ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ मेरे पास जो टमाटर है मैं इन्हें डाल दूंगी, और यहीं पर ही मैं लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और एक छोटा चम्मच नमक। अब क्योंकि नमक मैंने शिमला मिर्च को जब मैंने फ्राई किया था तब भी डाला था, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालूंगी। फ्लेम मीडियम रखनी है हमें। एक से दो मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद हम फ्लेम हाई कर देंगे, और जब ये हल्का सा हो जाए तब हम इसमें करेंगे पानी ऐड। मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो बेसन पानी डलते ही फूल जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ी हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। यहाँ मेरा लगभग आधा गिलास पानी लगा है। अगर आपको तरी पतली चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, मैं इसे इतना ही पकाऊंगी। और जब तक ये साइडों में से तेल ना छोड़ने लगे मैं इसको हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी। तो इन्हें पकाते हुए मुझे एक से दो मिनट हो गई है, और ये देखिए इन्होंने साइडों में तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं मैं उन्हें मैश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी में जब पीस नज़र आते हैं, इसके स्लाइस नज़र आते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब ये हमारा पेस्ट हो चुका है, तो मेरे पास जो शिमला मिर्च और प्याज है जिन्हें मैंने पहले फ्राई किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा बर्तन पर ही रह जाएगा, और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, शिमला मिर्च तो आपने पहले भी कई बार बनाई होगी, पर अगर आप इस तरीके से शिमला मिर्च बनाएंगे तो ये काफ़ी टेस्टी बनेंगी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है। अब मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, जिससे कि ये सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को हमने पहले ही हाफ कुक कर लिया था, इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर फ्लेम कर देती हूँ कम, और इस पर लगा देती हूँ मैं प्लेट, और मैं 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो दोस्तों इसको पकाते हुए मुझे हो गई है 5 से 6 मिनट, मैं अब देख लेती हूँ इसको। ये देखिए साइडों में जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो गया है, और इसका मतलब है कि हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप इस तरीके से अगर शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी बनकर आएगी। अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी शिमला मिर्च प्याज की सब्जी। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस रेसिपी को ट्राई कर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।